मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को ऋण के बतौर वित्तीय सहायता करने वाली फ्रांस की एएफडी के दो सदस्यीय टीम ने मेट्रो का दो दिवसीय दौरा कर महामेट्रो द्वारा संचालित कार्यों का निरीक्षण कर कामकाज के प्रति समाधान व्यक्त किया। टीम में सितारा अतियाना, रजनीश आहूजा शामिल थे। मेट्रो भवन के सभागृह में हुए प्रेजेंटेशन के पश्चात हुई चर्चा के दौरान महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने संबोधित किया। एएफडी टीम को महामेट्रो द्वारा किए जा रहे विविध कार्यों की जानकारी दी गई। टीम ने कार्यों के प्रति समाधान व्यक्त किया। चर्चा के दौरान निदेशक परियोजना महेश कुमार, निदेशक परिचालन सुनील माथुर, निदेशक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अनिल कोकाटे, निदेशक वित्त हरिंदर पांडे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। टीम के सदस्यों ने मंगलवार को खापरी मेट्रो स्टेशन, मिहान मेट्रो डिपो, एयरपोर्ट साउथ सीताबर्डी इंटरचेंज, जीरो माइल फ्रीडम पार्क, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सेवा संसाधन, टिकट काउंटर, संरक्षा और सुरक्षा, डिजिटल टिकटिंग, पार्किंग एरिया, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, फीडर सर्विस, अग्निशमन उपकरण, वातानुकूल चार्जिंग सेंटर, बायोडाइजेस्टर, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि का अवलोकन किया। महामेट्रो द्वारा मेट्रो स्टेशन और स्टेशन परिसर में उपलब्ध व्यावसायिक क्षेत्र, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट आदि का अवलोकन किया। स्टेशनों के निरीक्षण और ट्रेन संचालन की गतिविधियों को देखने के पश्चात टीम मेट्रो भवन के कंट्रोल रूम में पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों ने कंट्रोल रूम की विस्तृत जानकारी दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।